आप देख रहे हैं KDS न्यूज़। बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कोविड संक्रमण से जितने खतरे माँ से बच्चे को हैं, उतने ही खतरे बच्चे से माँ को भी हैं। परंतु छोटी छोटी सावधानियों को बरत कर ना सिर्फ माँ अपना स्तनपान बच्चे को करा सकती है, बल्कि दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। बस ज़रूरत है कि इसमें आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें और साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करते रहें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी किए गए एक ऐसे ही वीडियो को हम आपसे आज साझा करने जा रहे हैं। ऐसी बेहतरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हम दिखाते हैं इस वीडियो में क्या कहा गया है। माँ का दूध फायदे खूब। स्तनपान बच्चों के लिए अमृत के समान है। माँ के दूध में कई प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि बच्चे की हर तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है और यह सुरक्षा बच्चे की पूरी बाल्यावस्था तक जारी रहती है। यदि माँ में COVID-19 के लक्षण जैसे बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तब उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। यदि माँ में COVID-19 के लक्षण हैं या वह COVID-19 से संक्रमित है, तब भी वह अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है। इसके लिए उसे कुछ सावधानियाँ बरतनी होगी। दूध पिलाते समय श्वसन स्वच्छता का ध्यान रखें। छींकते व खांसते समय टिशू या रुमाल का प्रयोग करें व प्रयोग के बाद टिशू को बंद ढक्कन वाले कूड़ेदान में अवश्य डालें। मास्क का प्रयोग करें। बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक धोएं। नियमित रूप से अपने आसपास की सभी जगहों को डिसइंफेक्ट करें। यदि माँ COVID-19 से गंभीर रूप से बीमार है तथा वे अपने बच्चे का स्तनपान नहीं करा सकती है, तब उसे अपने दूध को एक साफ कटोरी में निकालकर बच्चे को पिलाना चाहिए। दूध निकालने से पहले अपने हाथों को साबुन से कम 40 सेकंड तक धोएं। दूध निकालने के लिए जो कटोरी है वह भी अच्छी तरह साबुन और पानी से साफ। निकाला हुआ दूध बच्चे को एक साफ कटोरी या कप से चम्मच की मदद से ही पिलाएं। यदि माँ गंभीर रूप से बीमार है तथा बच्चे को अपना दूध पिलाने या दूध निकालने में सक्षम नहीं है, तब वह डोनर में बच्चे को पिला सकती है यदि वह उपलब्ध है तो। कुछ समय के बाद माँ अपना दूध पुनः पिलाना शुरू कर सकती है, जिसे रिलैक्टेशन भी कहा जाता है। यदि शिशु COVID-19 से संदिग्ध है या उसकी पुष्टि हो गई है, तो भी माँ मास्क का प्रयोग करते हुए बच्चे को दूध पिला सकती है।